तो चलिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए उसमें किसकी जीत हो रही है, कौन आगे चल रहा है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रत्युष, साथ ही ब्रेकिंग सेंटर से हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रीति के पास चलते हैं, बड़ी खबर है प्रीति के पास। क्या बड़ी खबर प्रीति? बिल्कुल खुशबू, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी की जीत पक्की। ममता बनर्जी ने चारों उम्मीदवारों को बधाई दी है। ये बंगाल की जनता की जीत है, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बयान बता रहे हैं। बंगाल की जनता ने नफरत प्रोपेगेंडा को नकारा है। और देखिए किस तरीके से, आपको बता दें कि बीजेपी टीएमसी ने दो दरअसल सीटें यहाँ पर जो अभी तक मुकाबला टक्कर नजर आ रहा था, ऐसे में अब टीएमसी ने दो सीटें बीजेपी से छीनी है, जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर दिनहाटा और साथ ही साथ शांतिपुर सीट अब टीएमसी के खाते में, यानी कि दो सीट जो बीजेपी के खाते में थी ये अब टीएमसी के खाते में चली गई है। कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी एक बार फिर से कहती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकारा है, और टीएमसी की जीत के बाद उत्साहित ममता बनर्जी नजर आ रही है। और क्योंकि प्रत्युष भी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्युष जिस तरीके से ये जीत हुई है अभी जो पक्की मानी जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है। ममता बनर्जी साफ तौर पर यही स्टेटमेंट पहले में विधानसभा चुनाव में और अब उपचुनाव की जीत पर भी देती हुई नजर आई। देखिए जो बीजेपी पिछले चुनाव में चले सरकार नहीं बना पाई थी लेकिन बंगाल में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वो बीजेपी अपनी ये दोनों सीटें लूज करते हुए दिख रही है, और वो भी बड़े अंतर से। दनियाहाट सीट ये वो सीट है जहां से निशित प्रमाणिक ने चुनाव जीता था, 57 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। गुहा को इस बार फिर से वहां पर टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया और इस बार वो 1,29,000 से ज्यादा मतों से विजय हुए, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। शांतिपुर जो सीट है वहां से जगन्नाथ सरकार पिछली बार जीते थे, बीजेपी के विधायक थे, चूंकि सांसद भी थे, उन्होंने संसदीय क्षेत्र से अपनी सीट सांसदी की रख ली, विधायक की सीट उन्होंने छोड़ दिया। उस वक्त चलिए वापस लौट रही आपके पास, और बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में टीएमसी की बढ़त पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पूरा सरकारी तंत्र वोटरों को डरा रहा है, अमित मालवीय ये बात कह रहे हैं। 2 मई को टीएमसी ने ही हिंसा कराई थी, ममता बनर्जी ने हिंसा को संरक्षण दिया था, ये आरोप बीजेपी की तरफ से। और नवजीत के पास मैं रुक कर रही हूं। नवजीत, बिहार में अभी फिलहाल रुझान क्या चल रहा है? देखिए बिहार में स्थिति यह कि 2 में से 1 है वो जेडीयू है वो जीतती हुई दिख रही है। कह सकते हैं कि जीत पक्की है, बस अब 3-4 राउंड की काउंटिंग बाकी है और बढ़त है वो 11,000 के पार है। तो कुशेश्वर स्थान से जो जेडीयू है वो उसकी जीत पक्की होती दिख रही है, 11,000 वोट से आगे चल रही है। ऐसे में दोनों जो सीट जेडीयू के पास थी अब उसमें से एक पे जीत पक्की है, लेकिन दूसरे जो सीट तारापुर की है वहां पर काफी कह लीजिए कि कांटे की टक्कर है, लेकिन राजद है वो धीरे धीरे बढ़त को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बढ़ता हुआ जो 2,000-2,500 का जो बढ़त था वो अब 3,000 के ऊपर चला गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक सीट पे राजद है वो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन दूसरी सीट आखिर देखना होगा कि क्या नतीजे यहाँ पर आते हैं, काफी दिलचस्प होंगे क्योंकि लालू यादव की वापसी हुई है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से दरअसल मिल रही है, और आपको बता दें वहां पर जिस तरीके से मुकाबला है, कहीं ना कहीं ये अपडेट मिल रहा है कि राजस्थान की 2 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में बड़ी अपडेट ये कि दोनों ही सीटों से कांग्रेस आगे है। अविनाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से, उदयपुर से। अविनाश देखिए जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिल रही है दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट वहां से? जी देखिए, अपडेट ये है कि जो प्रतापगढ़ जिले की दरियावद विधानसभा सीट थी वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा जो है वो भारी मतों से जीत गए। बड़ी बात यह कि दरियावद वो इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, और 2018 में गौतम लाल मीणा जो कि जीत के विधानसभा में गए थे उनको 90,000 वोट मिले थे, और राजस्थान की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में एक गौतम मीणा का भी नाम था। ऐसे में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस का एक तरफा जीत दर्ज करना और भाजपा प्रत्याशी का तीसरे नंबर पर आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। वही उदयपुर जिले की वल्लभ नगर विधानसभा सीट की बात करें, कांग्रेस का किला था, कांग्रेस का तो अविनाश ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो सीएम अशोक गहलोत तो उनके काम पर मुहर लगी है, कहीं ना कहीं जो लगातार दावे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से उसको खारिज किया है जनता ने फिलहाल, तो नतीजे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, देखिए अगर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान अपने 2.5 साल के कार्यकाल को और साथ ही जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के महंगाई के जो दाम है उसको प्रमुख मुद्दा बनाया था और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई में जो फूट है, आपसी फूट, उसको एक मुद्दा बना के जनता के बीच गए थे। तो कहीं ना कहीं इन दो चुनाव में जहाँ पे कांग्रेस दरियावद में एक तरफा जीत दर्ज कर ली, वल्लभ नगर में 13,000 से ज़्यादा वोट्स पे कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत आगे चल रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जनता ने कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के कामकाज पर मोड़ लगाई है। तो साथ ही महंगाई जो कि एक इस चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना के जनता के बीच गई थी, उसका भी इफेक्ट वोटर्स के ऊपर गया और पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों पर भी। चलिए अविनाश वापस आपके पास लौट रहे हैं और इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, हिमाचल की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एमपी की 2 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस आगे है। आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है जबकि तेलंगाना की 1 सीट पर बीजेपी आगे है। असम की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है जबकि 2 पर यूपीपीएल आगे है। बिहार की 1 पर आरजेडी और 1 से जेडीयू आगे है। महाराष्ट्र की 1 सीट से कांग्रेस आगे चल रही है जबकि मेघालय की 3 सीटों में से 1 पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और 2 से नेशनल पीपल्स पार्टी आगे है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे, राजस्थान की 2 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है, कर्नाटक की 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है।